हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme X2 के बारे में। दोस्तों Realme X2 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इस वीडियो में हम Realme X2 का कैमरा रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों ये एक क्विक कैमरा रिव्यू होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ कैमरा का सैंपल शॉट्स दिखाऊंगा और एंड में आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि ये फ़ोन जिस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है वो वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों Realme ने इस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की है इंडियन मार्केट में और आपको काफ़ी सारे चैनल पर भी सुनने को मिल जाएगा कि ये बेस्ट कैमरा फ़ोन है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो में आपको पता चलेगा असली सच कि क्या ये बेस्ट कैमरा फ़ोन है या फिर नहीं। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कीजिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों Realme X2 की कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों आपको इस फ़ोन में मिलता है क्वाड कैमरा का सेटअप, दोस्तों जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है जो कि सैमसंग का GW1 सेंसर है और दोस्तों ये f1.8 अपर्चर के साथ आता है। अगर इसकी पिक्सल साइज की बात करें तो 0.8 माइक्रोमीटर का है। इसके अलावा दोस्तों अगर सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है जो कि f2.3 अपर्चर के साथ आता है और 2 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड माइक्रो सेंसर देखने को मिलता है जो कि f2.4 अपर्चर के साथ आता है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस फ़ोन में मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो कि f2.4 अपर्चर के साथ आता है और अगर पिक्सल साइज की बात करें तो 1.7 माइक्रोमीटर का है। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें सिंगल LED फ्लैश देखने को मिलती है, HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है और दोस्तों आप इस फ़ोन से 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS में और दोस्तों सुपर स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं 720p में 960 FPS में। इसके अलावा दोस्तों आपको इस फ़ोन में मिलता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट और दोस्तों अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें मिलता है सिंगल कैमरा 32 मेगापिक्सल का जो कि f2.0 अपर्चर के साथ आता है और दोस्तों अगर इसकी पिक्सल साइज की बात करें तो दोस्तों 0.8 माइक्रोमीटर का है और दोस्तों अगर इस लेंस की साइज की बात करें जो कि है 26mm और दोस्तों इस फ़ोन के सेल्फी कैमरे से आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p में 30 FPS में और दोस्तों इसके साथ आपको दो बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिलती है जो कि है सुपर नाइट स्केप 2.0 और दोस्तों आप वीडियो में भी बोके इफेक्ट को ला सकते हैं, यानी कि आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं वो भी बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से। दोस्तों आप इस फ़ोन से काफ़ी हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो को क्लिक कर सकते हो। अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो दोस्तों 9216x6912p तक के फ़ोटो को क्लिक कर सकते हो। सो दोस्तों अब मैं आपके सामने कुछ कैमरा का सैंपल शॉट्स लाने वाला हूं और दोस्तों उसके बाद एंड में मैं आपको बताऊंगा कंक्लूजन। तो दोस्तों कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों आप भी कैमरा का सैंपल देखने के बाद आपको भी यकीन हो गया होगा कि ये बेस्ट फ़ोन है इस अपने प्राइस रेंज में, क्योंकि दोस्तों कैमरा के अलावा आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एमोलेड स्क्रीन जो कि एक ओवरऑल काफ़ी बढ़िया पैकेज है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट में हमें बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तभी इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।